दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में एक बार फिर से। आज यहां पर मेरे पास है दोस्तों ओप्पो A54 जो यहां पर इंडिया में लॉन्च हो चुका है 13,500 रुपये के प्राइस पर। दोस्तों इसमें आपको 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इसके कैमरा की तो इसमें आपको 13 MP का प्राइमरी कैमरा और 2-2 MP के डेप्थ और मैक्रो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहां पर 16 MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये यहां पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इंडिया तीनों ही देशों में लॉन्च हो चुका है। बाकी बात करें फीचर्स की तो इसमें आपको AI मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप जो वीडियो है वो यहाँ पर फुल HD तक बना सकते हो। 4K यहाँ पर अवेलेबल है नहीं और इसमें आपको स्लो मोशन जैसे सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके वीडियो क्वालिटी की, तो इसमें आप वीडियो फुल HD तक मतलब कि 1080p एट 30 FPS पर बना सकते हो मैक्सिमम। 4K आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। स्टेबिलिटी के नाम पर दोस्तों EIS इसमें प्रोवाइड किया गया नहीं है क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिली है। बाकी अगर ऑटो यहाँ पर होगा तो उसका कोई पता नहीं। बाकी जो दोस्तों मुझे क्वालिटी लगी वो आप देख सकते हैं, काफ़ी सही है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं है। बात करें दोस्तों नाइट सैंपल्स की तो मैंने आपके लिए यहाँ पर नाइट सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। इसमें दोस्तों नाइट में मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है नहीं है। 13,000-13,500 के प्राइस पर दोस्तों आपको कई सारे फ़ोन्स देखने को मिलते हैं जिसकी नाइट कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों मैं किसी फ़ोन का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस फ़ोन का भी हम रिव्यू कर रहे हैं। बाकी इसमें आप देख सकते हैं फोकस नाइट में दोस्तों उतना अच्छा है नहीं है, बार बार ये फ़ोन फोकस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं यहाँ पर सेल्फ़ी वीडियोज़ की ओर। दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाती है फुल HD वीडियो की रिकॉर्डिंग जो कि 1080p एट 30 FPS तक आप यहां पर मैक्सिमम कर सकते हो। बाकी मुझे डायनामिक रेंज फ्रंट कैमरे की बैक कैमरे से बेकार लगी है, आप यहां पर क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें आपको 4K की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। बात करते हैं दोस्तों इसके फोकस टेस्ट की, तो फोकस दोस्तों ये फ़ोन डे लाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छे से कर लेता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ब्लर इफ़ेक्ट है वो भी ये काफ़ी अच्छे से दे देता है अगर आप ऑब्जेक्ट को काफ़ी नज़दीक यहाँ पर कैमरे के ले जाते हो तो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ के सैंपल्स की, तो भाई फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐसा है कि AI मोड में अगर आप यहाँ पर ह्यूमन शॉट लेते हो तो काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर ह्यूमन शॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि दोस्तों जो स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मैं कहूँगा नेचुरल से तो बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। जूम करने पर आप देख सकते हैं डिटेल्स आपको यहाँ पर ठीक ठीक सी देखने को मिल जाती है। मैं कहूँगा ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर देखने को उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, बाकी ठीक ठीक आप यहाँ पर बोल सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की, तो पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पर आप काफ़ी सही ले सकते हैं। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पर आप बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट पे कितना फोकस फ़ोन करता है वो काफ़ी यहाँ पर सही लगा मुझे इस फ़ोन का, आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो। बाकी मैं आपको एज डिटेक्शन की बात करूँ तो एज डिटेक्शन भी मुझे काफ़ी सही लगा इस फ़ोन का, तो एज डिटेक्शन में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी सही है। मैं आपको यहाँ पर और सैंपल दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड ब्लर है वो मुझे काफ़ी सही लगा इस फ़ोन का, तो इसमें आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ऑब्जेक्ट पे जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों ऑब्जेक्ट पे फोकस काफ़ी सही है इस फ़ोन का, तो उसमें ओप्पो ने दोस्तों काफ़ी अच्छा काम किया है। बात करें AI शॉर्ट्स की और, तो AI शॉर्ट्स में दोस्तों हल्का सा कमी मुझे ये लगी है कि ओरिजिनल से काफ़ी हट के ये यहाँ पर फ़ोटोज़ लेता है, जैसे कि रियलमी के क्रोमा बूस्ट में आप बोल सकते हैं कि काफ़ी हट के फ़ोटोज़ आती है, वैसे यहाँ पर इसमें भी काफ़ी हटके आ रही है फ़ोटोज़। आप मेरे हाथ का यहाँ पर कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पर ऑरेंज सा हो चुका है, जबकि इतना ऑरेंज है नहीं है दोस्तों। बाकी बात करें कुछ और सैंपल्स की, तो इंडोर शॉट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं जिसकी क्वालिटी मैं कहूँगा एवरेज सी आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा सही दोस्तों इनडोर में आपको क्वालिटी देखने को मिलने वाली है नहीं है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको और कई सारे यहाँ पर इसके सैंपल्स दिखाने वाला हूँ। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों बात करें कुछ और सैंपल्स की, तो इसमें जो सेल्फ़ी है 16 MP की है। सेल्फ़ी में दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइटिश यहाँ पर निकल कर आते हैं, क्लोज टू दोस्तों नेचुरल बिल्कुल नहीं है। तो पहले ही सुन लीजिए 16 MP की सेल्फ़ी भले इसमें दी गई है, बाकी जूम करने पर आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है इमेज की उस पर कोई फ़र्क दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा, तो डिटेल्स की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस फ़ोन में। बाकी वही बात है कि इसमें जो पोर्ट्रेट मोड में जब आप इसमें सेल्फ़ी लोगे तो डायनामिक रेंज में फिर गड़बड़ी ये फ़ोन कर जाता है, पीछे देख सकते हैं वाइट हो चुका है पूरा,
वैसे दोस्तों इस फ़ोन में पीछे बहुत ज़्यादा लाइट थी, तो इस वजह से शायद से ये एडजस्टमेंट यहाँ पर कर नहीं पाया है। तो दोस्तों इस मोड में मैंने यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ किया है ब्यूटी मोड वाला, और आप देख सकते हैं स्काई से लेके मेरे हुड हुड सब कुछ पेड़ पुड़ सब यहाँ पर वाइट हो चुके हैं। तो ब्यूटी मोड का उपयोग आप ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी दोस्तों बात करें पोर्ट्रेट मोड की, और तो इस मोड में आप देख सकते हैं कि जो ब्लर है इसमें सेल्फी में उतना नेचुरल आपको देखने को मिलता नहीं है जितना कि बैक कैमरे में अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों नाइट में, यहाँ पर इतनी ज़्यादा नाइट है दोस्तों है नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कहूँगा मैं कि अंधेरा इस फ़ोन मतलब बजट फ़ोन के लिए, तो उसमें दोस्तों फ़ोन बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रगल करता है आप देख सकते हैं। बाकी नाइट मोड इसमें डेडिकेटेड दिया गया है, उसको ऑन करके कुछ आप इस तरीके के सैंपल्स उठा सकते हैं जिसमें कि सिर्फ आपको हल्की सी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जिसमें नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है उससे अच्छी फ़ोटोज़ बिना नाइट मोड की ये फ़ोन निकाल देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा।